ये कहानी है ओला नामी एक लड़की की जो बहुत ही ज्यादा जहीन है। अपने स्कूल और कॉलेज में हमेशा उसने टॉप किया है। वो डॉक्टर बन रही थी और फोर्थ ईयर में भी टॉप करने की वजह से उसे अपना फाइनल ईयर एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करने की ऑफर आती है जिसका नाम था यूनिवर्सिटी ऑफ हेडलबर्ग। वो बहुत ज्यादा खुश थी। ये बात वो जाकर अपने ग्रैंडपा को बताती है। वो जो इस टाइम हॉस्पिटल में एडमिट थे ये खबर सुनकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उसे बताती है कि ऐसी अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाने का मौका ऐसे ही किसी को नहीं मिल जाता, तुम इसे गंवाना मत। मैं भी इसी यूनिवर्सिटी का पार्ट रहा हूँ और ये यूनिवर्सिटी अपने रिसर्च वर्क के लिए मशहूर है। घर जाकर ओला ये बात अपने मॉम डैड को बताती है। अजीब बात ये थी कि उसके डैड उसकी स्कॉलरशिप से खुश नहीं थे, साथ ही यूनिवर्सिटी ऑफ हेडलबर्ग जाने वाले उसके फैसले से भी नाखुश थे और ये चीज ओला को उदास कर देती है। उसकी उदासी उसकी मॉम से देखी नहीं जाती और फाइनली ये लोग ओला को यूनिवर्सिटी जाने की परमिशन दे देते हैं। सीन कट होकर हमें यूनिवर्सिटी ऑफ हेडलबर्ग का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ डिसेक्शन टेबल पे एक आदमी लेटा था। डॉक्टर्स शायद उसका ऑपरेशन कर रहे थे कि बीच ऑपरेशन ही उसे होश आ जाता है और वो देखता है कि डॉक्टर्स उसकी बॉडी के पार्ट्स निकाल निकाल कर बाहर रख रही हैं, तो ये देख वो शॉक रह चुका था। वो अपने हाथों के जरिए इन्हें रोकना चाहता था लेकिन उसके हाथ हिल भी नहीं पा रहे थे। वो कुछ बोलने के लिए मुंह खोलता है लेकिन बोल नहीं पाता और ऐसे ही मर जाता है। यहाँ पर हम पोला को हेडलबर्ग जाने के लिए ट्रेन में दिख रहे हैं जहाँ उसे यूनिवर्सिटी ऑफ हेडलबर्ग की ही एक स्टूडेंट ग्रिटचन मिल जाती है जिसकी फ्रेंडली नेचर की वजह से जल्द ही वो और पोला एक दूसरे से फ्रैंक होकर एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। ट्रेन तेजी से हेडलबर्ग की तरफ बढ़ रही थी और इसी सफर में अचानक किसी को हार्ट अटैक आने का शोर मच जाता है। यहाँ पोला जो कि तकरीबन एक डॉक्टर बन चुकी थी वो इस इमरजेंसी सिचुएशन को संभालती है। वो इस लड़की को CPR के साथ कुछ इमरजेंसी ट्रीटमेंट देकर वक्त रहते ही उसकी जान बचा लेती है, जिसके बाद हम उस लड़की को ठीक ठाक पोला के साथ सफर करते हुए देखते हैं और ये लड़का जिसका नाम डेविड है वो पोला को अपनी जान बचाने का शुक्रिया भी करता है। ये लोग अब यूनिवर्सिटी पहुँच जाते हैं और ऐसी बड़ी और शानदार यूनिवर्सिटी देखकर पोला की खुशी की इंतहा नहीं थी। पोला यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रिचन के साथ रहने का फैसला करते हैं जिसके बाद ये दोनों मिलकर यूनिवर्सिटी का एक टूर लेते हैं। चलते चलते पहुँच जाते हैं ये लोग एक मुर्दा घर के पास जहाँ मरे लोगों को रखा जाता है। उनके आते ही यहाँ अचानक से एक डेड बॉडी बुरी तरह हिलती है जो देख पोला शॉक हो चुकी थी। उसके साथ आई उसकी दोनों साथी डर के यहाँ से भाग जाती हैं लेकिन पोला को बिल्कुल डर नहीं लगा क्योंकि वो ये बात जानती थी कि कोई भी बॉडी तभी हिल सकती है जब उसे इलेक्ट्रिक इम्पल्स दिए जाएं। वो इस बॉडी के पास जाकर इस बॉडी के हिलने की वजह ढूंढने लगती है। उसने जैसे ही डेड बॉडी के ऊपर से कपड़ा हटाया तो कुछ मिनट तक वो हिल भी नहीं सकी क्योंकि इस डेड बॉडी पर उसका सर नहीं था, लेकिन फिर वो अभी भी इसके हिलने की वजह जानने में लग जाती है और बॉडी को अच्छी तरह चेक करने पे उसे बॉडी के साथ कुछ वायर्स और चिप लगे नजर आते हैं। जिन वायर्स का पीछा करते हुए वो एक सीक्रेट रूम तक पहुंचती है जहाँ पर कुछ सीनियर्स इन सब की ड्रैगिंग के लिए बैठे थे। वो तो बस इन लोगों को डराने के लिए करंट के जरिए बॉडी में इलेक्ट्रिक इम्पल्स डाल रहे थे और यही वजह थी बॉडी के हिलने की। अब पोला क्योंकि डरी नहीं थी इसलिए ये सब पोला की बहादुरी से इम्प्रेस होकर उसे रात में होने वाली एक पार्टी में इन्वाइट करते हैं जहाँ उसकी दोस्त रिचन भी आती है और उसने ट्रेन वाली लड़के डेविड को भी बुलाया था। यहाँ डेविड जो कि इस यूनिवर्सिटी में पार्टी करने के लिए आया था उसे क्या मालूम था कि ये पार्टी ये मजा उसका आखिरी मजा होगा क्योंकि जैसे ही डेविड वॉशरूम में चलता है तो कोई अनजान आदमी उसके गले पे इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर देता है। ये कौन था इसके बारे में किसी को नहीं पता था। वो घसीटते हुए डेविड की बॉडी को कहीं ले जा चुका था और बाहर पार्टी करने वाले लोग इस चीज से बेखबर थे। ओला और ग्रिचन ने भी इस पार्टी में खूब मजे किए थे इतने कि ग्रिचन को याद ही नहीं रहा कि उसने यहाँ पे डेविड को भी बुलाया था। अगले सीन में हम डेविड को डाइसेक्शन टेबल पे लेटा हुआ देखते हैं। उसके करीब दो डॉक्टर्स हैं जो आपस में डेविड का डाइसेक्शन करने की बात कर रहे हैं, यानी उसके जिस्म को काट कर उसके जिस्म के हिस्से निकालने की बात कर रहे हैं और इसी टाइम पे डेविड को होश में आ गया है। अपने आप को बचाने के लिए वो पास रखा डॉक्टर का एक ब्लेड उठा लेता है और जैसे ही डॉक्टर डेविड को कोई इंजेक्शन लगाने के लिए उसके करीब आता है फौरन ही डेविड उस पे हमला करके यहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन तभी पीछे से दूसरा डॉक्टर उसके ऊपर हमला करके उसे मार देता है। अगले दिन पोला की इस यूनिवर्सिटी में पहली क्लास थी जहाँ पहला लेक्चर प्रोफेसर ब्रोमबैक उन्हें देते हैं और बताते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी रिसर्च के लिए पूरी दुनिया में मानी जाती है और हमारी यूनिवर्सिटी से बने हुए डॉक्टर दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स हैं और आने वाले कुछ सालों में आपका भी नाम उन्हीं बेस्ट डॉक्टर्स में होगा। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है आप लोगों को बेस्ट नॉलेज और बेस्ट एजुकेशन देना, साथ ही हम यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस भी देंगे। डॉक्टर इन्हें एनाटॉमी के डाइसेक्शन रूम में ले जाते हैं जहाँ पर डॉक्टर्स मरे हुए लोगों की बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ देखने को मिलते हैं बहुत से इंसानी स्केलेटन जिनके बारे में प्रोफेसर ग्रॉमबैक तो इन्हें बताते हैं कि ये नकली हैं, लेकिन दिखने में ये सब बिल्कुल असली जैसे लग रहे थे। यही पोला को एक स्केलेटन के नीचे अपने ग्रैंडपा का नाम लिखा नजर आता है। एक्साइटेड होकर वो ये चीज प्रोफेसर ग्रॉमबैक को बताती है कि ये स्केलेटन मेरे ग्रैंडपा ने बनाया है। जवाब में प्रोफेसर ग्रॉमबैक कहते हैं यकीनन वो इस यूनिवर्सिटी के फिर बहुत ही होनहार स्टूडेंट रहे होंगे और उन्होंने प्रोफेसर बनने के बाद रिसर्च
सड़क पे भी काफी काम किया होगा। और ये बातें सुनकर पौला अपने ग्रैंड पा के लिए बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रही थी। अब फाइनली टाइम आ गया था कि स्टूडेंट खुद पोस्टमार्टम करे। पौला के सामने जो डेड बॉडी थी इसे देखकर पौला शॉक रह जा रही है, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि डेविड था, जिसके सिर्फ दो दिन पहले ही तो उसने जान बचाई थी। प्रोफेसर ग्रॉम्बेक पौला को इस आदमी का दिल निकालने को कहते हैं, लेकिन उल्टा पौला ग्रॉम्बेक से सवाल करती है कि ये आदमी कैसे मरा, इसके बॉडी पे ऐसे कोई निशान नहीं है जिसकी वजह से कहा जाए कि ये किसी बीमारी से मरा है। यहाँ प्रोफेसर ग्रॉम्बेक उसे डांट देते हैं और कहते हैं तुम्हें अपने काम पर तवज्जो देनी चाहिए, ये मैटर्स तुम्हारे नहीं है कि ये आदमी कैसे मरा, हो सकता है किसी रिसर्च के लिए तैयार किया जा रहा हो। ये बातें सुनने के बाद पौला और ग्रिशन दोनों काम तो करने लग जाते हैं, लेकिन दोनों को ये दाल में कुछ काला महसूस होता है और पता चलाने के लिए वो डेविड के ब्लड सैंपल्स को अपने पास छुपा लेती है। लैब में इस ब्लड पे रिसर्च करने पे पौला को ब्लड के अंदर बहुत ही अजीबोगरीब केमिकल्स का पता चलता है, जो केमिकल्स किसी आम इंसान के जिस्म में नहीं पाए जाते। ये बात पौला अपने एक फ्रेंड से डिस्कस करती है और उसे केमिकल का पता चलाने को कहती है, जो लड़का उसे कहता है कि सिर्फ ब्लड नहीं मुझे उसकी बॉडी के कुछ टिश्यूज पे चाहिए होंगे केमिकल का पता चलाने के लिए, जिसके लिए भी पौला हामी भर देती है। अपने इस मिशन के लिए पौला मुर्दा घर जाती है और वहाँ फ्रीजर से डेविड की बॉडी निकाल कर उसके कुछ टिश्यूज चुरा लेती है। इस दौरान उसने नोटिस किया कि डेविड के पांव पे ट्रिपल ए के निशान थी। अपना काम करके वो तकरीबन फ्री हो ही गई थी कि अचानक यहाँ पर इस जगह का अटेंडेंट आ जाता है, जिसे देखकर पौला घबरा जाती है। वो पूछता है कि तुम आखिर यहाँ क्या कर रही हो, उसे कुछ समझ नहीं आता। वो झूठ बोल देती है कि वो प्रोफेसर ग्रॉम्बेक के कहने पे यहाँ आई। वो इस अटेंडेंट से पूछती है कि डेविड की बॉडी को यहाँ तक कौन लेके आया है, जिसके जवाब में अटेंडेंट उसे बताता है कि मैं यूनिवर्सिटी की पॉलिसीज को देखते हुए एक स्टूडेंट को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। वो इंसान जो आपके बाद जान गया था कि पौला डेविड की मौत की छानबीन कर रही है, वो ये खबर किसी को फोन पे बताता है। जरूर वो डेविड के मर्डर को ही ये खबर दे रहा होगा। अगले सीन में हम पौला और उसके दोस्त ग्रिशन को लाइब्रेरी में देखते हैं, वो डेविड की मौत को ही डिस्कस कर रहे थे। तभी पौला को डेविड की बॉडी पे ट्रिपल ए के मार्क्स याद आते हैं, जिसके बारे में वो बुक्स में रिसर्च शुरू करती है। उसे मालूम होता है कि ये एक सीक्रेट सोसाइटी का साइट है, जहाँ के लोग मेडिकल साइंस की रिसर्च के लिए जिंदा लोगों पर एक्सपेरिमेंट करते थे, जो कि इलीगल था। ये लोग ऐसे इंसानों को अपना शिकार बनाते थे जिनको पहले से ही कोई बड़ी बीमारी हो, ताकि वो इस बीमारी की वजह से इंसान की बॉडी में होने वाले चेंजेस को देख सके, उसके ऊपर रिसर्च कर सके और साथ ही इस इंसान की फिर मुर्दा बॉडी को किसी दूसरे रिसर्च पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सके। पता चलता है कि जो स्केलेटन पिछले सीन में दिखाए गए थे वो भी इन्हीं इंसानों से बनाए जाते थे, जिनको देखकर बच्चे सदा अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाए। इस सोसाइटी का नाम था एंटी हिपोक्रेट सोसाइटी, जो पिछले कई सौ सालों से काम कर रही थी, और हैदराबाद यूनिवर्सिटी का इस सोसाइटी से गहरा ताल्लुक था। पहले ये सिर्फ बीमार लोगों पर रिसर्च किया करते थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ जब वर्ल्ड वॉर टू हुई तो जर्मन ने बेगुनाह और बेकसूर लोगों को भी इन रिसर्च पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया। अब पौला को शक है कि ये सोसाइटी अभी भी यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में काम करती है और उसी से जुड़े हुए लोगों ने ही जरूर डेविड का मर्डर किया है, क्योंकि वो एक हार्ट पेशेंट था। रेचन उसकी सारी थ्योरी को एक कहानी कहती है, साथ ही अभी ये सारी कहानियां किताबों में एग्जिस्ट करती है, असल में ऐसा कुछ नहीं हो सकता, डेविड को जरूर उसके किसी दुश्मन ने मारा होगा। अभी वो लोग की बात कर ही रहे थे कि यहाँ पर पौला को उसकी फ्रेंड की कॉल आती है, जिसको उसने डेविड के ब्लड सैंपल और उसके बॉडी टिश्यूज भेजे थे। पता चला था कि डेविड को एक ऐसे केमिकल के जरिए मारा गया, जो केमिकल इंसान की बॉडी में जाकर जल्द ही उसके बॉडी के सारे खून को खुश करके बॉडी को एक प्लास्टिक में बदल देता है। इसीलिए तो लैब में पड़े हुए वो सभी स्केलेटन इतने सालों से वैसे के वैसे ही थे। उसे बात जानकर दुख होता है कि इस यूनिवर्सिटी में कोई बहुत बड़ी गेम चल रही है, और इसकी खबर वो जाकर प्रोफेसर ग्रॉम्बेक को देते हैं, जो उसकी बातें सुनते ही उसे एक और बार डांटती है और कहते हैं मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम डेविड के केस से दूर रहो, तुम्हें अपने स्टडीज पे तवज्जो देनी चाहिए, ये बात तुम्हें क्यों नहीं समझ आती, तुम्हारा फाइनल ईयर है। लाचार पौला अब अपने रूम में वापस आ जाती है। जैसे ही वो बेड पे लेटने आई तो उसने फील किया कि उसका पूरा बेड खून से भरा हुआ था, बेड के नीचे भी बहुत खून था और साथ ही वहाँ कुछ कैंडल्स भी पड़ी थी। ये सब उसे किसी रिचुअल से जुड़ा लग रहा था। उसे लगता है ये भी एंटी हिपोक्रेट सोसाइटी का काम है। दोबारा वो लैब में जाती है और बुक से रिसर्च करने में उसे पता चलता है कि एंटी हिपोक्रेट सोसाइटी के लोग जब किसी को सजा देना चाहते हैं तो उससे पहले करने के लिए वो उसके बेड के नीचे ब्लड और कैंडल्स रख देते हैं, जो इशारा है कि वो इंसान इनके कामों में टांग ना अड़ाए, और अगर वो इंसान फिर भी पास ना आए सेकंड वार्निंग वो उसके टांग पे तीन कट लगा के देते हैं, तीसरी वार्निंग के लिए वो उसके मुंह पे तीन कट लगा देते हैं और चौथी बार तो उसको मार ही देते हैं आम तरीके से नहीं बल्कि उनकी बॉडी को तीन हिस्सों में डिवाइड करने के बाद। पौला जब वापस कमरे में आई तो उसके रूम में हे नामी एक लड़का था, जो कि उसके रूममेट इन्हीं ग्रिशन का बॉयफ्रेंड था। पौला से बताती है कि ग्रिशन इस टाइम रूम में नहीं है। जवाब में वो कहता है हाँ मैं ये बात जानता हूँ, मैं बस उसे मनाने आया हूँ क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, हालांकि मुझे ये भी पता है कि वो मुझे धोखा दे रही है, लेकिन इस वक्त मैं उसे एक मौका जरूर देना चाहूंगा। इसी टाइम पे हम ग्रिशन को देख रहे थे, जो मुर्दा घर में किसी दूसरे लड़के के साथ थी। काफी देर जब ग्रिशन अपने रूम में नहीं आया तो हेन भी यहाँ उसे ढूंढने के लिए आ गया था।
और जब वो उसे किसी दूसरे लड़की के साथ दिखता है तो जेलसी में वो दूसरे लड़की को एक अजीब केमिकल वाला इंजेक्शन लगा कर मार देता है। सिर्फ इस लड़की को ही नहीं, हैंग ने तो ग्रिचर्ड को भी वही इंजेक्शन लगा दिया था। अपने आप को बचाने के लिए वो घिसटते हुए यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी बॉडी का सारा खून खुश्क हो रहा हो। वो अपने लिए कुछ नहीं कर पाती और यही दम तोड़ देती है। उसके बाद वो सबसे पहले ग्रिचर्ड और उस लड़के के खून को इस मुर्दा घर से साफ करता है और फिर उन दोनों को फ्रीजर में डाल देता है। फ्रीजर में डालने के बाद भी उसे डर था कि लोग इन दोनों को पहचान लेंगे, इसीलिए वो उन दोनों का गला ही काट देता है। सुबह होने पर हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी में सभी के मुंह पे ग्रिचर्ड और उस लड़के के गायब होने की खबर है। पोला भी अपने दोस्त को ढूंढ रही थी, उन्हीं का पता चलाते हुए वो मुर्दा घर पहुंचती है जहां उसके हाथ मुर्दा घर के अटेंडेंट की डायरी लग जाती है। यहां उसे पता चलता है कि डेविड को इस मुर्दा घर तक लाने वाला एन ही था, वो लड़का जिसने अभी दो मर्डर किए हैं। एन इस टाइम उसके सामने बैठा हुआ था, उसे देखकर परेशान हो जाती है और इस टाइम एन उसके सामने उसकी दोस्त की कटी हुई उंगली रखता है उसे धमकाने के लिए कि वो डेविड वाले केस का पीछा छोड़ दे, वरना तुम्हारे साथ भी वही हशर होगा जो तुम्हारी दोस्त के साथ हुआ है। इन सारी बातों से घबरा कर वो फौरन पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस को अपने दोस्त की मरने की रिपोर्ट लिखने को कहती है, लेकिन पुलिस उसकी एक नहीं सुनती। पुलिस स्टेशन से वापस आने पर इनका उसे मैसेज मिलता है कि वो उसे मुर्दा घर मिले। यहाँ इन उसे ग्रिचर्ड की लाश दिखाता है जो देखकर वो बुरी तरह डर चुकी थी। इन अपने ब्लेड से बाहर बाहर ग्रिचर्ड की लाश के ऊपर वार कर रहा था ताकि पोला और डर जाए और उसके बारे में किसी को बिना बताए पोला डर के यहाँ से भाग जाती है और वो लड़का भी लगातार उसका पीछा कर रहा था। भागते भागते वो बेसमेंट में पहुंचती है जहाँ उसे वही इंजेक्शन मिलता है जिसके अंदर केमिकल्स को भरकर इंसानों को मारा जाता था। वो डरते हुए ये इंजेक्शन उठा लेती है और तभी पीछे से प्रोफेसर ब्रॉमबैक आ जाते हैं। उसे लगा कि ये हैन है जिसे मारने के लिए वो जल्दी से इंजेक्शन आगे कर देती है, लेकिन प्रोफेसर ब्रॉमबैक यहाँ पर उसे रिलैक्स करके कहते हैं सुनो मेरी बात। प्रोफेसर ब्रॉमबैक भी जानते थे कि पोला लगातार एंटी हिपोक्रेट सोसाइटी के ऊपर रिसर्च कर रही है, इसलिए यहाँ वो इस सोसाइटी की हकीकत उसे बताते हैं और कहते हैं कि मैं भी इसी सोसाइटी का हिस्सा हूँ। ये सोसाइटी पिछले कई सालों से मेडिकल साइंस के लिए रिसर्च कर रही है और अगर ये सोसाइटी ना होती तो मेडिकल साइंस आज तक इतनी तरक्की करता ही ना। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि तुम्हारे दादा भी इसी सोसाइटी के एक मेंबर थे, वो भी जाने माने बड़ी बड़ी रिसर्चेस के पीछे उन्हीं का ही हाथ है और ये जो केमिकल इंसानों को प्लास्टिक में बदलता है ये भी उन्हीं ने बनाया है। ये बात जानकर पोला शॉक में रह जाती है कि वो अपने ग्रैंडपा को अपना आइडियल मानती थी और वो भी इन्हीं की तरह किलर थे। वो इस बारे में अपने ग्रैंडपा से बात करना चाहती थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसी दिन उसके ग्रैंडपा की मौत हो जाती है और अगले सीन में हम एंटी हिपोक्रेट सोसाइटी की एक मीटिंग देखते हैं जहाँ पे एन के लिए ही अदालत लगाई गई थी। असल में उसने दो ऐसे लोगों को मारा था जो कि बीमार भी नहीं थे और ना ही एंटी हिपोक्रेट सोसाइटी का शिकार थे। उसने अपनी जाती दुश्मनी और अना के लिए एंटी हिपोक्रेट सोसाइटी की दी हुई अथॉरिटीज का इस्तेमाल किया। एन सोसाइटी के लिए भी खतरा बनता जा रहा था जबकि हेन सोसाइटी के लोगों को कहता है मैं जो भी कर रहा हूँ आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ। प्रोफेसर जवाब पे कहते हैं नहीं, वो उसे सजा के तौर पे अपनी बॉडी पे तीन कट लगाने को कहते हैं। जुनून में आकर हेन अपने मुंह के ऊपर तीन कट लगा लेता है और इन्हें वार्न करके जाता है कि अभी तो वो और भी मर्डर करेगा। ये सुनने के बाद सोसाइटी के लोग उसे पुलिस के हवाले करने का फैसला करते हैं। ये फैसला हेन को और भी जोश में आता है, वो जेल नहीं जाना चाहता था इसीलिए वो अपने चर यानी प्रोफेसर ग्रॉमबैक को रात में उनके घर जाके कत्ल कर देता है। पोला जो कि इस वक्त अपने घर पे थी अपने ग्रैंडपा के जनरल की वजह से वो उनके रूम में जाकर उनकी चीजों की तलाशी लेती है जहाँ उसे ये बात कंफर्म हो जाती है कि वो भी एंटी हिपोक्रेट सोसाइटी का हिस्सा थी और ये चीज उसे बहुत ज्यादा दुखी कर रही थी। अपना दुख मारने के लिए वो अपने एक फ्रेंड के पास आती है जो उसे सहारा देता है। सुबह होने पर ओना देखती है कि उसके सामान में भी बहुत सी ऐसी चीजें थी जो एंटी हिपोक्रेट सोसाइटी से मिलती थी, यानी वो भी उसी सोसाइटी का हिस्सा था और ये देखकर उसे इतना गुस्सा आता है कि वो इस लड़के को पीट कर यहाँ से भाग जाती है। पोला यूनिवर्सिटी आकर यूनिवर्सिटी के बेसमेंट में जाती है जहाँ एंटी हिपोक्रेट सोसाइटी के लोग काम करते थे। यहाँ उसे बहुत से स्केलेटन्स मिलते हैं जो इंसानों से ही बनाए गए थे और यही उसे हे नामी वो लड़का भी मिल जाता है जो अब से पहले तीन मर्डर कर चुका था। वो यहाँ पर ग्रिचर्ड का यानी पोला के दोस्त का स्केलेटन बना रहा था जो देख कर पोला शदीद डर जाती है और जोर से चीख मारती है। इससे पहले कि वो बचकर यहाँ से चली जाती है उसे एक इंजेक्शन लगा देता है। उसे होश आया तो वो डिसेक्शन टेबल पे थी, उसी टेबल पर जहाँ से बचकर आज तक कोई नहीं जा पाया। वो अपने हाथ हिलाने की कोशिश करती है लेकिन महसूस करती है कि उसके हाथ नहीं हिल पा रहे, उसका खून भी जमता जा रहा है। उसे पता चल जाता है कि उसके अंदर भी वही केमिकल इंजेक्ट कर दिया गया है जो इंसानों के खून को प्लास्टिक में बदल देता है। उसे इस केमिकल के बारे में पहले ही पता था तो वो इसके एंटीडोट के बारे में भी जानती थी। वो देखती है कि इस टाइम पर यहाँ उसका दोस्त आया है। उसे देखकर वो हैरान हो जाती है लेकिन उसे पता चलता है कि ये लड़का एंटी हिपोक्रेट सोसाइटी का मेंबर नहीं था, वो तो बस उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए आया था। यहाँ पोला जल्दी जल्दी उसे अपनी सिचुएशन समझाती है और उसे अपनी मदद करने को कहती है। वो उसे बताती है कि मेरी जान खतरे में है, तुम जैसे भी करके यहाँ
वहाँ कहीं से सोडियम क्लोराइड लेकर आओ। लड़का उसके बात मानते हुए जल्दी से सोडियम क्लोराइड का एक इंजेक्शन लगाकर उसे लगा देता है। अभी उसे इंजेक्शन लगाई था कि यहाँ पर एन और एक और लड़का जाता है, यानी एंटी हिपोक्रेट सोसाइटी के मेंबर, जो पोला के दोस्त को यहाँ देखकर उसे बेहोश कर देते हैं और पोला के डाइसेक्शन की बात करने लगते हैं। वो दोनों बात कर रहे थे कि पोला की बॉडी को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। इनको बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इनके दिए हुए केमिकल इंजेक्शन के बावजूद भी पोला होश में थी। एन जितने भी यहाँ पर पोला के दूसरे दोस्त को उठाकर डाइसेक्शन टेबल पर रखता है, तभी मौका पाते ही पोला एन के यहाँ दूसरे दोस्त के ऊपर हमला करके उसके ऊपर वही इंजेक्शन लगा देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। उसे ऐसा करते देखकर एन को उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है। वो उसको मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। उसके हाथ में सर्जरी ब्लेड थी। वो जैसे ही पोला के ऊपर हमला करता है तो इस हमले से पोला बच जाती है और अपनी जान बचाने के लिए अपने पीछे मौजूद ब्रेकर बॉक्स से एक हाई वोल्टेज करंट की तार निकाल कर वो एन को करंट लगाकर मार देती है। एन का दूसरा साथी भी पोला के दिए हुए केमिकल की वजह से मर चुका था, जबकि पोला अपने दोस्त को लेकर हॉस्पिटल आ गई थी, जहाँ उसकी जान बचा ली जाती है। कहानी के आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि एंटी हिपोक्रेट सोसाइटी ने अब दो और ऐसे मेंबर रख लिए हैं जो उनके लिए इंसानों को मारने का और उनका डाइसेक्शन करने का काम करेंगे। यानी हैं और उसके साथी की जगह काम करने वाले लोग, जिनके साथ अभी पोला लड़कर आई थी। साफ मतलब था कि पोला की जंग अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन ये कहानी यही खत्म हो जाती है।